बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको ये एलोवेरा के बारे में तमाम टिप्स दूंगा, पूरी जानकारी बताऊंगा एलोवेरा की। चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, थैंक यू। तो इस प्लांट के बारे में आपको बताऊं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके जो जेल निकलते हैं जेली अंदर से पत्ते के अंदर, मेडिसिनल फ़ायदे बहुत सारे हैं। चेहरे पे लगाने का भी बहुत सारा फ़ायदा है, इसका जूस भी पिया जाता है। इसके केयर टिप्स के बारे में बताऊं तो सबसे पहले पानी आपको कम देना, इसको वाटरिंग कम करना है। जब मिट्टी बिल्कुल सूखने लगे, जब आपको पानी डालना है दोबारा सेकंड टाइम। सनलाइट की बात करें तो सनलाइट ही का प्लांट है ये, दो ढाई घंटे सनलाइट दे दीजिए, हल्की सन दीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल दिन का 2-3 बजे का नहीं, 1 बजे का नहीं, 2-3 घंटे सनलाइट दे दीजिए सुबह के टाइम का, फिर वो अच्छा चलेगा। सनलाइट देने से यह ज़्यादा बच्चे निकलता है पप्स और प्लांट बिल्कुल ज़बरदस्त आता है। शेडी प्लेस में भी हम रख सकते हैं इसको, मगर शेडी प्लेस में ये ज़्यादा बच्चे भी पप्स भी नहीं निकालेगा और पौधे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा होगा, पौधा करे तो अच्छा होगा शेडी प्लेस में, मगर पौधा बिल्कुल अच्छा ग्रो नहीं करेगा। सनलाइट लाजमी है लगेगा को, ये आप जहन में रखिएगा, सनलाइट इसको लाजमी है 2-3 घंटे की। पप्स जो है बच्चे इसके आसानी से अलग हो जाते हैं, इसे कोई टेंशन मसला नहीं है निकालने में। मिट्टी आपको बताऊँ, मिट्टी बिल्कुल अच्छी सी मिट्टी तैयार करना, आपको वेल्ड गेन गोबर खाद अच्छी मिकदार में डालना है, 40% तक में डालना है गोबर खाद, कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालें, बिल्कुल गोबर खाद ही इसको बहुत अच्छा लगता है तो यही डालें। गमले के बताऊँ तो बड़े गमले में लगाएं, जब लगाएं इसको 12 इंच तो कम से कम आप लगाएं ही, 12 इंच में, ज़्यादा बड़े में लगाएंगे तो ज़्यादा पप्स देगा ये, ज़्यादा बड़ा गमला ज़्यादा पप्स ज़्यादा बच्चे निकालता है ये। फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप मेरी बात। इसके जड़ पे जो है, जड़ के करीब मिट्टी ज़्यादा भरे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल इसका जड़ नीचे से नज़र आ रहा है, रूट नज़र आ रहा हो, नहीं, अब मिट्टी बिल्कुल रूट में अच्छे से ढाक दें इसको सही से, बच्चे अच्छे तरीके से निकालता है, ये ज़्यादा परसेंटेज निकालता है। एलोवेरा के बारे में और भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा कि इसके टब्स के अलग कैसे होते हैं, इसके और क्या क्या फ़ायदे है, और भी वीडियो आएगा तो चैनल पर बने रहिए। पेस्ट अटैक के बाद क्यों, तो कोई पेस्टिसाइड वेस्टिसाइड इस पर नहीं अटैक करता है, कीड़ा मकोड़े कुछ भी नहीं इस पर लगता है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ज़्यादा केयर आपको नहीं करना है, बस 2-2.5 घंटे सनलाइट देना है आपको, पानी डाल देना जब मिट्टी सूखने लगे, जब ज़्यादा पानी से बचाना है, ज़्यादा पानी से आपको गुवेज करना है, इसमें इतना पानी दीजिए कि गमले के नीचे तक पानी पहुंच जाए, बस नीचे निकलने की ज़रूरत नहीं है, गमले के नीचे से नहीं निकले पानी, मतलब खाद वगैरह भी कहीं एनर्जी नीचे से निकल जाती है। गोबर खाद अच्छे से मिलाइए, तकरीबन 40% मिला दीजिए, ये देखिए इसमें कितना सारा मैं गोबर खाद मिला के लगाया था, छोटा प्लांट था, 5-6 बेबी तो ये निकाल गया पप्स। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।